भगवान कहते हैं प्रेम में और मोह में अंतर होता है। प्रेम में बंधन नहीं होता, उन्नति होती है, मुक्ति होती है, आजादी होती है, लेकिन मोह में बंधन होता है। कलयुग में कई बार माँ बाप मोह में इतना पड़ जाएंगे कि उनका प्रेम ही उनके बच्चों के लिए गलत हो जाए, उनको आगे नहीं बढ़ने देने का कारण बन जाए। तो हम कई बार बच्चों को बचाने के चक्कर में इतने ज़्यादा बंधन में डाल देते हैं कि उसको उसकी ज़िंदगी की गलती तक नहीं करने देते, और ऐसा लगता है कि हम हर वक्त बचा लेंगे, पर आप हर वक्त नहीं बचाएंगे। आप जब तक है, अगर वो छोटी मोटी गलती भी करता है तो कम से कम आप ये देखने के लिए खड़े तो होंगे कि वो ठीक से उठ जाए, वो ठीक से संभल जाए। लेकिन अगर आपने वो छोटी गलती नहीं करने दी तो आपके जाने के बाद तो वो गलती करेगा, और उस वक्त आपको लगता है कि दुनिया ऐसी है जो उसका ध्यान रखेगी। मैं हर माँ बाप से एक बात कहती हूँ कि ये लाइन मैंने कई माँ बापों के मुँह से सुनी है कि मेरी इज्जत का ध्यान रखना, मेरी इज्जत नहीं खराब होनी चाहिए वरना मैं मर जाऊँगा। बहुत माँ बापों ने बच्चों से कहा मेरा नाम नहीं खराब करना। आपको पता है ये कहकर आप उसके सामने कैसी परिस्थिति सामने ला रहे हैं? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके बच्चे से गलती नहीं हो? इंसान है ना, होगी गलतियाँ, लेकिन अब आपने क्योंकि इतनी बड़ी बात बोल दी है उसको कि मेरा नाम खराब नहीं करना या मुझे ऐसा हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, मुझे सहन नहीं होगा, तो आपको लगता है वो गलती करके आपके पास आएगा? नहीं आएगा। वो किसके पास जाएगा? बाहर वालों के पास, उनसे मदद मांगेगा, गलती छुपाने की कोशिश करेगा। और आपको लगता है कि बाहर वाले उसका साथ देंगे, वो उसका इतना फायदा उठाएंगे जितना आप सोच रहे हैं? तो क्या ये अच्छी बात है ये बच्चों से बोलना, हर वक्त बच्चे से यही कहना कि उसको जितनी सही सीख दे सके दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उससे गलती हो भी गई तो वो आकर मुझे बताए, मैं उस वक्त भी तुम्हें बता दूंगा क्या सही है क्या गलत।